क्रिकेट का सीजन लौट आया है। भारतीय क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज के दौरे पर है, जबकि अन्य कई देशों के बीच भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेला जा रहा है। भारत वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला डोमिनिका में हो रहा है, जहां पहले दिन के खेल में टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज अपने एक शानदार कैच के चलते सुर्खियों में बने रहे। सिराज ने वेस्टइंडीज की पारी के 28वें ओवर में यह कैच लपका था। इस ओवर में रविंद्र जडेजा की आखिरी गेंद पर कैरिबियाई बल्लेबाज जर्मन ब्लैकवुड ने एक हवाई शॉट खेला, जिसके बाद गेंद हवा में लहराती हुई जा रही थी। तभी सिराज ने मिड ऑफ की दिशा में अपनी बाईं ओर छलांग लगाते हुए जोरदार कैच लपका। कैच पकड़ने के बाद वह चोटिल भी हो गए, हालांकि चोट ज्यादा गंभीर नहीं थी। सिराज के कैच की खूब तारीफ भी की गई। उनके कैच को अभी 24 घंटे पूरे भी नहीं हुए थे कि सिराज को इंग्लैंड की स्टार क्रिकेटर सोफिया एलेक्सन ने चुनौती दे डाली। दरअसल इंग्लैंड वुमेन्स और ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स के बीच एशेज वनडे सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज के पहले वनडे में सोफिया एलेक्सन ने मोहम्मद सिराज के जैसा ही कैच पकड़ा। सोफिया ने ऑस्ट्रेलिया की पारी के 13वें ओवर में यह कारनामा किया। उस समय कंगारू ओपनर फेहप लिचफील्ड बैटिंग कर रही थी और गेंदबाजी पर साइवर ब्रेंट थी। लिचफील्ड ने ओवर की पहली गेंद पर हवाई शॉट खेला, लेकिन उन्हें कहां पता था उनका ये शॉट उनको मैदान से बाहर भेज देगा। गेंद हवा में थी और तभी सोफिया ने भी सिराज के ही अंदाज में हवा में छलांग लगाकर मिड ऑफ की दिशा में एक हाथ से बेहतरीन कैच लपका। सोफिया एलेक्सन के इस कैच की तुलना मोहम्मद सिराज से की जा रही है। मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेट पर 263 का स्कोर बनाया था। टीम की ओर से अनुभवी बल्लेबाज बेट मूनी ने 81 रन की पारी खेली। 264 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने बड़ी ही आसानी से 49वें ओवर में 8 विकेट खोकर हासिल कर लिया। टीम की जीत में कप्तान हेदर नाइट के बल्ले से नाबाद 75 रन देखने को मिले। पहले मैच में मिली जीत के साथ ही इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की अहम बढ़त बना ली है। एशेज सीरीज का दूसरा मुकाबला 16 जुलाई को खेला जाएगा।